हेलो फ्रेंड्स, सब लोग पर नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आशा करते हैं सब लोग ठीक होंगे। तो चलिए, नेहा दीदी का चैनल में आपका स्वागत है। तो चलिए दोस्तों, अभी जो है हम खेतों में हैं। आज जो है अभी उख रख दो, लो अभी टोपी जूता मोजा सब पहन लो, अभी रखो, अभी रख दो, लो अंश का अपना टोपी क्या बना दी पहन लो, अभी नहीं उसके धूप आएगा तो अच्छा ये बांट देंगे तो रखे रहेगा ना हाथ में, बांट दे ऐसे टेकावा फटक रहे हैं तो इसे पर आके धूप में जो है सुखाएंगे। इसको जो है चाल लेते हैं, चाल करो धूप में जो है पसार देंगे सूखने के लिए, थोड़ा सा चाल के और थोड़ा सा फटक लेते हैं। इस तरीके से सारा जो है चाल लेते हैं, ठीक है। तो तोरी जो है घामा में सूख गया है, तो चलिए इसको जो है अब बोरा में उठा देते हैं। तोरी जो सब उठा दी इसमें, अब बढ़ा जाएगा। गमछे को भी फोल्ड कर दिए। अब ये पिताजी लोग का काम है घाने लगाना, हम लोग का फटकना बनाना था, बन गया है। सरसों का घाने जो है लगा, अभी घाने लगा नहीं है, सुखा करके उसे हम तैयार करके रख दिए, पिताजी जो है ले जाएंगे। हम लोग का इतना ही काम है। इसमें बोरे में जो है तोरी है और एक केन जो है रखे हैं वो घाने लगाने के लिए। तो पिताजी तो आज नहीं है, कहीं गए हैं, वो नियार का कपड़ा लेकर गया। की किरणें शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। क्या आप जानते हैं श्री राम ने उड़ाई थी पहली पतंग? तो देखिए घानी लाकर जो है आ गया, इसमें तेल है, नहीं खुल रहा है, देखिए हम खोल, ये देखिए। तो अभी फैन गाज है, अब इसमें गाज जो है बैठेगा, इसमें खरी है, इसमें तेल रखते हैं करुआ तेल, तो इसमें निकाल लेंगे। जब इसमें गाज जब यहाँ से बैठ जाएगा पर छा जाएगा तब, तो खरी है बहुत गर्म है अभी। तीता लग रहा है, खोलो दरवाजे को। क्या चाहिए दे दो जी, सोनू क्या चाहिए इसको? लकड़ी क्या करोगे बाबू? अब तो कुछ नहीं पानी है मुस्कान, ठंडा नहीं लग रहा है क्या चीज? कैसे चलाएगा मुस्कान दीदी को भी सिखा दो। शरीर के लिए अमृत समान मानी जाती हैं। पतंग उड़ाने से सूर्य की किरणें ज्यादा मात्रा में मिलती हैं। क्या आप जानते हैं श्री राम ने उड़ाई थी पहली पतंग? खाएंगे बहुत चाव से, बहुत
अंशिका बहुत चाव से खाते हैं गोभी का। जो अच्छा लगा हो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और वीडियो देखने के लिए सभी लोग को धन्यवाद, और वीडियो जो है पूरा देखिएगा। चलिए दोस्तों, बाय बाय।